अरे भैया, बाहर क्या ढूंढ रहे हो? सब चोटें अंदरूनी हैं, जैसे बड़ी ठुकाई हुई है। मेरे सीने में तो ठंड पड़ गई है। न जाने मुझे किस चीज की सजा मिल रही है। कोई ना कोई झगड़ा, आए दिन कोई ना कोई शिकायत। मेरा तो जीना, उठना, बैठना, मिलना जुलना सब महाल कर दिया इस लड़के ने। आहिस्ता बोले थोड़ा सा, हमारी घर की आवाजें पूरा मोहल्ला सुनता है, लोग बातें बनाते हैं। क्यों आहिस्ता बोले? किसी का दिया खाते हैं क्या? और वो भी तुम्हारे कहने पर आहिस्ता बोले। क्या हो गया चाची अम्मा, ये भी तो आपका नवासा ही लगता है। अरे भैया, ये गले पड़ा ढोल है जो बजा रहे हैं। हमारी बेटी को तो जीना नसीब ना हो, और ये रह गया सीने पे मूंग दलने। बड़ा ही सख्त जान है, जान ही नहीं छोड़ता। हजार बार तुम्हारे चचा से कहा था, बाप भाग गया तो क्या, दादा तो जिंदा बैठा था ना, पाल पोस लेता, दे आते उसे। कहाँ जिंदा होंगे, अब तक तो मर खप गए होंगे। अरे भैया, कैसी बातें कर रहे हो, कहाँ मर खप गए होंगे, वो तो कोर्ट कचहरी करने को तैयार बैठे। अरे चची, कुछ बताएं तो सही, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। सच कह रही हूँ, देखता जा आगे आगे होता है क्या। चाय तो पी लें। कहा ना नहीं पीनी बेटा, रख दो। अच्छा चले, रख देती हूँ आपके हुक्म के ऐन मुताबिक। अब मुझे मेरी प्यारी अम्मी जल्दी से एक बात बताएं। बोलो। खफा मत होइएगा अम्मी, लेकिन आप मेहरान भाई की खुशी और ख्वाहिश का ख्याल कर लें तो। पीछे हटो, तुम दोनों बहन भाइयों का हो गया है दिमाग खराब। मैं देख रही हूँ उस मेहरू का जादू तुम पर भी खूब चल गया है। इसमें दिमाग खराब होने वाली और जादू चलने वाली कौन सी बात है? किसी को पसंद करना ना ही जुर्म है और ना ही गुनाह। बेवकूफ हो तुम, मेहरान मेहरू के अलावा किसी और पे उंगली रखते। मैं आज उस लड़की को ब्याह के इस घर में लेके आऊंगी, लेकिन ये खानदान, इस खानदान पे तो ना जाने किसकी बददुआओं का असर है। मुझे तो खौफ आता है, और उस बड़े मियाँ को देखो, अपने घर की नहुसत मेरे सर पे डालना चाहता है। कमरुन्निसा की शादी हुई तो मियाँ समेत अल्लाह को प्यारी हो गई, वो नूर बेचारी माँ के नसीबों को रो रही है। आतिफ की शादी की तो बीवी को तलाक दे के बर्बाद हो गया। मेहरू का निकाह हुआ तो जूं कि तू घर में वैसी ही बैठी हुई है। अब बताओ, इस नहुसत को घर में लाके बलाओं को अपने घर में आने की दावत दे दूं, और वो फिर अकेली थोड़ी आएगी, अपने साथ जहेज में नूर बीबी को भी लेके आएगी। फिर उसे निमटाने बिहाने की जिम्मेदारी मेरे मेहरान के सर। ना बाबा ना, मुझे ये सौदा मंजूर नहीं है। अम्मी, वैसे मुझे बेहद अफसोस हो रहा है अम्मी आपकी सोच पे। हर दिन कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, वो सब क्या बदुआओं की वजह से हो रहे होते हैं? और जो लोग पीछे रह जाते हैं, हमें उनसे हमदर्दी करनी चाहिए या वो करना चाहिए जो आप कर रही हैं? मुझे ज्यादा सबक मत पढ़ाओ, मेरा दिल जिस चीज को नहीं मानता, बात खत्म हो गई। वैसे बुजुर्गों को इतना स्टबर्न नहीं होना चाहिए अम्मी, औलाद की खुशी भी कोई चीज होती है। औलाद का दिमाग खराब हो जाए ना तो अम्मी या अबू करेंगे क्या, बात कर रही है तो। अपा मियाँ, चाय। खुलाका तो सोचिएगा भी मत, जिस खूंटे से बंधी है ना उसी खूंटे पे बंधी रहने दीजिए। अब इस उम्र में नया ठिकाना उसके लिए कहाँ ढूंढेंगे? कोई तलाक याफ्ता या रंडवा मिल भी गया तो सौ मसले मसाइल होंगे।